उस रात मेरे बाबा ने बताई थी मुझे रोटी की अहमियत। मेरे लिए चांद लैंप पोस्ट के ऊपर टंगी हुई रोटी था और रोटी कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ चांद। मां के आंसुओं में खुद को भिगोए मैं दौड़ता रहता था, कभी भेलपूरी वाला किशोर, कभी पान वाला मुरली, कभी नंदू नाई और फिर मोटे से पिटाई। मैं और मां दोनों के आंसू चूल्हे की आग में जलते और फिर ठंडी राख ओढ़कर सो जाते। मैं फिर दौड़ता दौड़ता और शायद दौड़ता रहता। अब सब कुछ वैसा नहीं रहा। किशोर, पान वाला मुरली, नंदू नाई और मोटे के अलावा एक और नाम जुड़ गया था फेहरिस्त में, चश्मे वाली बाई। वो जब भी आती मोहल्ले के सब बच्चे अपनी चप्पल घसीटते, दौड़ते, चिल्लाते उसे घेर लेते। वो उन्हें खिलौने और रंगीन किताबें बांटती। उसके थैले का वो रंगीन संसार मुझे अपने पास बुलाता। एक दिन अपनी कनखियों से झांक कर उसने मुझे बुलाया। उसके जादुई थैले में मेरे लिए उपहार था। उसने मुझे एक फुटबॉल दिया। आढ़ी तिरछी रेखाओं में उस पर कुछ अक्षर बने हुए थे, मेरी जिंदगी के पहले अक्षर। अब उन बच्चों की तरह मैं भी उस जादुई थैले का बेसब्री से इंतजार करता। वो आती और हर बार कुछ किताबें देकर जाती। उन किताबों में बंदर, हाथी, हवाई जहाज, समुद्र वाला जहाज, चश्मे वाली बाई, नंदू नाई, मोटा भैंसा और वो सब था जो मेरे दौड़ते कदमों के नीचे आ सकता था। मेरी दुनिया बदलने लगी। बूढ़ी नानी और परियों की कहानी कब चंगेज खां के घोड़ों की टापों में बदल गई पता भी न चला। टापों के शोर में, किताबों के पन्नों के बीच मैं फिर दौड़ने लगा। हिटलर की सनक, सिकंदर की चढ़ाई, लक्ष्मीबाई का बलिदान, पोरस की लड़ाई, भगत सिंह का जुनून, गांधी की अहिंसा, चेकोव, टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, मोपांसा, टैगोर की गीतांजलि, प्रेमचंद का गोदान, गुरु ग्रंथ, गीता, बाइबल, कुरान, सबसे मिलता, परिचय करता, मिस्र के पिरामिडों पे झूलता, अफ्रीका के जंगलों में राह भूलता, सहारा के रेगिस्तान में भटकता, हिमालय के पहाड़ों पे चढ़ता, समंदर की लहरों के साथ पहुंच गया यहाँ। आज मेरे टेरेस से समंदर के ऊपर एक चांद नजर आता है, वही चांद जो लैंप पोस्ट के ऊपर रोटी सा दिखता था। कैसा सांस है तन्हा जो बह गई मैं सितारों पर आशा।